पहले तो आप सब लोगों को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल समय निकालकर आज उपस्थित हुए हैं। आज का विषय देश में जो गतिविधियां प्रमुख विपक्षी पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की रही हैं, उन पर आपके समक्ष कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टे पॉलिटिकली रेलेवेंट और अपने आप को, मैं ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। आप सब वाकिफ हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद पहले तो आप सब लोगों को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल समय निकालकर आज उपस्थित हुए हैं। आज का विषय देश में जो गतिविधियां प्रमुख विपक्षी पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की रही हैं, उन पर आपके समक्ष कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टे पॉलिटिकली रेलेवेंट और अपने आप को, मैं ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। आप सब वाकिफ हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद के संसदीय सदस्यता को बर्खास्त की गई है। पिछले 10 वर्षों में
कई लोग इस सूची में शामिल हैं। जयललिता जी हैं, आजम खां हैं, कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद हैं। पर ये क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है? इस बार लोकतंत्र के मंदिर को, हमारे संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। क्या कारण है कि इस बार काले कपड़े पहनकर लोग अपनी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जबकि ये पहले कभी भी ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह प्रस्तुतिकरण नहीं हुई? और इसका कारण है, राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उपमुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? और इसी के साथ साथ जो माहौल पूरे देश में तैनात किया गया, जहां शहर शहर में ट्रेनें रोकी गईं, आम जन की आवागमन में रोड़े अटकाए गए, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या यह गांधीवाद का सिद्धांत है? इस प्रश्न का उत्तर दें। और ये व्यक्ति विशेष के लिए क्यों सब किया जा रहा है? और इसलिए जो पूर्व में भी स्थिति उत्पन्न हुई, 2013 तक पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सेक्शन 8/4 1951 का मानहानि के मामले में किसी व्यक्ति के ऊपर कन्विक्शन अगर किया जाता था तो 3 महीने की मोहलत दी जाती थी कि वो व्यक्ति अपील में जा पाए। लेकिन 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश रहा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, कि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का एक कन्विक्शन का आदेश हो, तत्काल उस व्यक्ति की संसद की सदस्यता बर्खास्त की जाए। इस वर्डिक्ट के बाद जब कांग्रेस पार्टी की ही शासन केंद्र में थी और तत्कालीन न्याय मंत्री कपिल सिब्बल जी ने प्रधानमंत्री जी के, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के आदेश के आधार पर अध्यादेश निकाला था, उसी अध्यादेश की जब प्रस्तुतिकरण की जा रही थी तब उसी समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस अध्यादेश को फाड़ के कचरे के टोकरी में फेंक देना चाहिए। तो फिर आज मैं पूछना चाहता हूं, ये हिपोक्रेसी क्यों है? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। और इसी के साथ जो अत्यंत आश्चर्यजनक वाक्य रहा राहुल गांधी जी के द्वारा, कि मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते, और इसी के साथ साथ जो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की नीति सदैव रही है कि जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता
संसद के उपनेता ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के लिए न्यायालय में अलग नियम होने चाहिए। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। जो अत्यंत दुखद विषय है कि देश के पार्टी के विपक्ष के पार्टी के नेता एक समुदाय के विरुद्ध ऐसे टिप्पणी करें कि पूर्ण समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करें, हमारे पिछड़े वर्ग को कलंकित करें और उसके बाद ऐसे वक्तव्य दिए जाएं। मैं मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने ये वक्तव्य दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। बहुत बहुत धन्यवाद। We have seen that how the Congress party is raising this issue, and you have also stated that how they are wearing black clothes and they are protesting, and the parliament is not allowed to function, sir. Now today being the second last day of the session, today's session going? Because again and again we see, as soon as the Rajya Sabha and Lok Sabha convenes, the protest is done by the opposition parties and Congress, and the house is not allowed to function, sir. देखिए, प्रजातंत्र के मंदिर में अगर विचार विमर्श मंथन और चर्चा न होने देना, ये कांग्रेस पार्टी की गांधीवाद और लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, तो ये आज पूरे देश की जनता के समक्ष स्पष्ट हो चुकी है। और दोबारा मैं कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है, ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई, और देश इस विचारधारा को अच्छी तरह से पहचान चुका है, जिसके आधार पर देश की जनता ने जवाब भी कांग्रेस पार्टी को एक बार नहीं लेकिन बार बार दे दिया। सर, पीयूष फ्रॉम इंडिया टीवी। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि मैंने एक समुदाय को नहीं गाली दी या उनके खिलाफ कुछ नहीं, देखिए, तीन लोगों के खिलाफ बोला। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उनका वाक्य स्पष्ट है, जो उन्होंने कहा आपके टीवी चैनल्स में भी चला है, पूरी देश की जनता ने देखा है, और जो अदालत में उनके वकीलों के द्वारा स्टेटमेंट भी पेश की गई है, अगर आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। उस स्टेटमेंट में लिखा गया है कि जो देश के बड़े नेता होते हैं उनके द्वारा कभी कभी भाषणों में जो मन में आए कहा जाता है, पर उनकी स्टैंडिंग होती है तो स्टैंडिंग के आधार पर कंटेंट को नहीं देखा जाना चाहिए लेकिन टोन और टेनर को देखा जाना चाहिए। तो आप बताइए मुझे कि इस देश में एक हमारे पिछड़े वर्ग के विरुद्ध अगर कोई वाक्य या कोई उपदेश दिया जाए तो क्या उसे सहन करना चाहिए, और क्या अगर गलती की गई है तो माफी मांगना इतनी बड़ी बात हो गई? माफी मांगने से व्यक्ति छोटा नहीं होता,
पर कई लोग और कई दलों की यही विचारधारा है कि वे इस देश के ऊपर हैं और जनता ने उनको अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। गुलाम नबी आजाद। पहले तो आप सब लोगों को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल समय निकालकर आज उपस्थित हुए हैं। आज का विषय देश में जो गतिविधियां प्रमुख विपक्षी पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की रही हैं, उन पर आपके समक्ष कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टे पॉलिटिकली रेलेवेंट और अपने आप को, मैं ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। आप सब वाकिफ हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद की संसदीय सदस्यता को बर्खास्त की गई है। पिछले 10 वर्षों में कई लोग इस सूची में शामिल हैं, जयललिता जी हैं, आजम खां हैं, कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद हैं, पर ये क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है? इस बार लोकतंत्र के मंदिर को, हमारे संसद को चलने नहीं दिया जा रहा, क्या कारण है कि इस बार काले कपड़े पहनकर लोग अपनी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जबकि ये पहले कभी भी ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रस्तुतिकरण नहीं हुई? और इसका कारण है, राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उपमुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है? अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? और इसी के साथ साथ
जो माहौल पूरे देश में तैनात किया गया, जहां शहर शहर में ट्रेनें रोकी गईं, आम जन की आवागमन में रोड़े अटकाए गए, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या यह गांधीवाद का सिद्धांत है? इस प्रश्न का उत्तर दें। और ये व्यक्ति विशेष के लिए क्यों सब किया जा रहा है? और इसलिए जो पूर्व में भी स्थिति उत्पन्न हुई, 2013 तक पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सेक्शन 8/4 1951 का मानहानि के मामले में किसी व्यक्ति के ऊपर कन्विक्शन अगर किया जाता था तो 3 महीने की मोहलत दी जाती थी कि वो व्यक्ति अपील में जा पाए। लेकिन 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश रहा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, कि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का एक कन्विक्शन का आदेश हो, तत्काल उस व्यक्ति की संसद की सदस्यता बर्खास्त की जाए। इस वर्डिक्ट के बाद जब कांग्रेस पार्टी की ही शासन केंद्र में थी और तत्कालीन न्याय मंत्री कपिल सिब्बल जी ने प्रधानमंत्री जी के उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के आदेश के आधार पर अध्यादेश निकाला था, उसी अध्यादेश की जब प्रस्तुतिकरण की जा रही थी तब उसी समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस अध्यादेश को फाड़ के कचरे के टोकरी में फेंक देना चाहिए। तो फिर आज मैं पूछना चाहता हूं ये हिपोक्रेसी क्यों है? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। और इसी के साथ जो अत्यंत आश्चर्यजनक वाक्य रहा राहुल गांधी जी के द्वारा कि मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते, और इसी के साथ साथ जो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की नीति सदैव रही है कि जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता संसद के उपनेता ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के लिए न्यायालय में अलग नियम होने चाहिए, ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। जो अत्यंत दुखद विषय है कि देश के पार्टी के विपक्ष के पार्टी के नेता एक समुदाय के विरुद्ध ऐसे टिप्पणी करें कि पूर्ण समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करें, हमारे पिछड़े वर्ग को कलंकित करें और उसके बाद ऐसे वक्तव्य दिए जाएं। मैं मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने यह वक्तव्य दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा।
और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। बहुत बहुत धन्यवाद। How they are wearing black clothes and they are protesting and the parliament is not allowed to function, sir. Now today being the second last day of the session, how do you see today's session going? Because again and again we see as soon as the Rajya Sabha and Lok Sabha convenes, the protest is done by the opposition parties and Congress and the house is not allowed to function, sir. देखिए प्रजातंत्र के मंदिर में अगर विचार विमर्श मंथन और चर्चा न होने देना ये कांग्रेस पार्टी की गांधीवाद और लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, तो ये आज पूरे देश की जनता के समक्ष स्पष्ट हो चुकी है। और दोबारा मैं कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है, ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई और देश इस विचारधारा को अच्छी तरह से पहचान चुका है, जिसके आधार पर देश की जनता ने जवाब भी कांग्रेस पार्टी को एक बार नहीं लेकिन बार बार दे दिया। सर पीयूष फ्रॉम इंडिया टीवी, मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि मैंने एक समुदाय को नहीं गाली दी या उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। देखिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उनका वाक्य स्पष्ट है, जो उन्होंने कहा आपके टीवी चैनल्स में भी चला है, पूरी देश की जनता ने देखा है और जो अदालत में उनके वकीलों के द्वारा स्टेटमेंट भी पेश की गई है, अगर आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। उस स्टेटमेंट में लिखा गया है कि जो देश के बड़े नेता होते हैं उनके द्वारा कभी कभी भाषणों में जो मन में आए कहा जाता है, पर उनकी स्टैंडिंग होती है तो स्टैंडिंग के आधार पर कंटेंट को नहीं देखा जाना चाहिए लेकिन टोन और टेनर को देखा जाना चाहिए। तो आप बताइए मुझे कि इस देश में एक हमारे पिछड़े वर्ग के विरुद्ध अगर कोई वाक्य या कोई उपदेश दिया जाए तो क्या उसे सहन करना चाहिए, और क्या अगर गलती की गई है तो माफी मांगना इतनी बड़ी बात हो गई? माफी मांगने से व्यक्ति छोटा नहीं होता, पर कई लोग और कई दलों की यही विचारधारा है कि वे इस देश के ऊपर हैं और जनता ने उनको अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। योर फॉर्मर कलीग गुलाम नबी आजाद। पहले तो आप सब लोगों को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल समय निकालकर आज उपस्थित हुए हैं। आज का विषय देश में जो गतिविधियां प्रमुख विपक्षी पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की रही हैं, उन पर आपके समक्ष कुछ